झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं मोराबादी में हूँ और तमाम छात्र हित में नियोजन नीति नहीं बनने के कारण सोरेन का पुतला दहन करने रोड पर घुमा रहे हैं। ये है 60-40 नियोजन नीति नहीं चलतो, जिसकी वजह से सड़कों पर छात्र हेमंत सोरेन का दो दो तस्वीर यानी कि पुतला लेकर घूम रहे हैं। एक है उसका दो तस्वीर वहाँ पर नजर आ रहे हैं, हेमंत सोरेन को विजुअल में दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर झारखंडी स्टूडेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं जो हेमंत सोरेन का पुतला, तो हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जोहार भैया। जोहार। आज क्यों हेमंत सोरेन को इस तरह से दो दो तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? दो दो तस्वीर दिखाने में इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ के युवाओं को ठगा जा रहा है, ठीक है। बाहरी अब सीट बेचने के चक्कर में 60-40 ये कर रहा है जो कि झारखंड में नहीं चला होगा। यहाँ के युवाओं को ठगा जा रहा है। यहाँ के युवाओं को पहले बोल के रखा गया था कि 60-40 नहीं आएगा, झारखंडी हित में बात होगा, लेकिन यहाँ के युवाओं को बहला के फुसला रखा गया और ठग रहा है सिर्फ सीट बेचने के चक्कर में। और कुछ नहीं है, हेमंत सोरेन से सरकार नहीं चलता है, सिंहासन खाली करो। यहाँ पे युवा तैयार है सिट तैयार रखने के लिए। तो क्या लगता है कि 23 तारीख वाला जो विधानसभा घेराव था उसमें पुलिसों द्वारा बहुत छात्रों को निंदनीय, ये बिल्कुल निंदनीय है जिस तरह से छात्राओं से बेरहमी से पीटा गया, आतंकवादी जैसा पीटा गया है, आंसू गोश के गोली छोड़ा गया है, गोली मारा गया है। ये युवाओं के साथ और झारखंड के हर एक नागरिक के जो जिम्मेदार है सरकार को छला गया है और युवाओं को ये बर्बरता से किया गया है, पूरा आतंकवादी जैसा उन लोगों पर बिहेव किया गया है। तो कैसा नियोजन नीति चाहते हैं हेमंत सोरेन? झारखंड हित में होना चाहिए, खतियान आधारित नीति होना चाहिए, खतियान आधारित नीति होना चाहिए जो कि यहाँ के युवाओं को थर्ड और फोर्थ ग्रेड में नौकरी में 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। नमस्कार, फिर आगे बात करेंगे भैया आपसे। तो युवाओं का कहना है कि हमारे हित में नियोजन नीति बने और झारखंडी हित में नियोजन मतलब नियोजन नीति बने ताकि चलता
2012 से 2023 जो विधानसभा घेरा में जो सरकारी सरकार से जो प्रशासनिक अनुमति लेकर के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से घेराव कर रहे हैं। अचानक से निहत्थे छात्रों पर जो गोली चलाया गया, जो लाठी बरसाया गया, जो FIR दर्ज किया गया, झूठा FIR के तहत दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। और उस दिन का आग से पूरे झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन जी का 60-40 नए चलते नियोजन नीति पर जो है कि हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार कही थी 60-40 नहीं है, लेकिन विज्ञापन जब आता है लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का और PGT का, तो उस विज्ञापन में प्रावधान है भारत का नागरिक का। ए सरकार, अगर बताइए कि विज्ञापन में भारत का नागरिक मांग रहे हैं, तो भारत एक देश नहीं बल्कि 28 राज्य है। भारत में 28 सरकार है, भारत में 28 कैबिनेट मंत्री है, 28 राज्यपाल है, DGP है, 28 जगह आदमी राज्य को वोटिंग करते हैं, इसीलिए कि राज्य के लिए विशेष व्यवस्था हो। लेकिन झारखंड की सरकार भारत का नागरिक आमंत्रित करती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिहार में जब नियुक्ति निकलता है तो बिहार का स्थायी निवासी हो, बंगाल में जब निकलता है बंगाल का स्थायी निवासी हो, उड़ीसा में जब निकलता है तो उड़ीसा का स्थायी निवासी हो, लेकिन जब झारखंड में निकलता है तो भारत का नागरिक हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि झारखंड के छात्र जो पढ़े लिखे छात्र हैं, जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, एक छोटा सा सपना देखे हैं नौकरी करके अपना पेट पालने के लिए, लेकिन उसका सपना को चुप चुप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, आपको हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, आप इसको धमकी समझिए या चेतावनी समझिए। 27 मार्च डेडलाइन नोट कर लीजिए, आखिरी मौका 27 मार्च तक हमारे हित में पॉलिसी करी नियोजन नीति बनाइए 60-40 वाला आपस करके, और वो संवैधानिक जो आरक्षण रोस्टर है, क्योंकि यहाँ का पिछड़ा वर्ग आयोग कहती है 55% रिजर्वेशन नहीं हुआ तो फिर स्टूडेंट क्या करें। तो हम लोग जो समस्या का जड़ है, समाधान का जड़ है मुख्यमंत्री आवास की ओर कुछ करेंगे। और जिस प्रकार देखे आप लोग, तमाम मीडिया बंधु को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग 23 तारीख को मात्र 4 घंटे के आह्वान पर पूरे राज्य के छात्र का हुजूम जुटा था, जन सैलाब उमड़ पड़ा था, अब वही उमड़ पड़ेगा, और नहीं तो उसके बाद आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, पूरे राज्य में चक्का जाम होगा, पूरे राज्य का झारखंड बंद हो जाएगा, यहाँ के पेड़ पौधे भी पत्ते भी नहीं हिलेंगे, चिड़िया भी नहीं उड़ेंगे, सब चीज थम जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ के प्रकृति के साथ जीते हैं, यहाँ के नदी नाला हवाई पहाड़ पर्वत झरना यहाँ के पक्षी के साथ अपना स्वभाव में झारखंड के लोग जीते हैं। अगर झारखंडियों के साथ अन्याय होगा तो यहाँ के पक्षी भी उड़ना बंद कर देंगे, पत्ता भी हिलना डुलना बंद कर देंगे।